हेलो एवरीवन, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डीएनए के स्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छे से देखा था और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि जो क्रोमेटिन है या फिर क्रोमेटिन फाइबर बोल लें, वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बनता है। तो डीएनए तो हम लोगों ने देख लिया, तो आज के लेक्चर में हम लोग हिस्टोन प्रोटीन देखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपना वीडियो हटा लेते हैं ताकि स्क्रीन पूरे अच्छे तरीके से कवर हो। तो हिस्टोन प्रोटीन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ पहला पैराग्राफ, हिस्टोन्स आर द प्रोटीन्स दैट हेल्प इन द कॉइलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। तो ये पैराग्राफ को समझने के लिए हम लोग को पहले थोड़ा सा इस पैराग्राफ का यहाँ से यहाँ तक देखने के बाद कुछ इमेजेस देखने होंगे, तब जाके ये वाला पैराग्राफ अच्छे से क्लियर होगा, वरना अभी ये कुछ कुछ बातें हम लोग को पता नहीं है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है वो पता नहीं है, और किस तरह से डीएनए का पैकेजिंग होता है वो पता नहीं है। तो ये पैराग्राफ समझने में थोड़ा दिक्कत आएगा, इसलिए उसको हम लोग समझेंगे, पर थोड़ा सा वेट करते हैं इसको समझने के लिए। इसको समझने से पहले कुछ और चीज़ें समझते हैं। यहाँ पे द डीएनए स्ट्रैंड वाइंड्स अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स कॉल्ड द हिस्टोन ऑक्टमर। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे डीएनए का स्ट्रैंड है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ खुद को लपेटता है इस तरीके से, ठीक है। और ये जो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स है, इन 8 हिस्टोन प्रोटीन को हम लोग साथ में बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। का नाम है हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टा मतलब 8 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी 8 हिस्टोन्स है, तो 8 हिस्टोन प्रोटीन को हम लोग साथ में बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामर। और यहाँ पे ईच सच कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, यानी कि इसको वापस से रीड्रॉ करते हैं। जो 8 हिस्टोन प्रोटीन है और इसके चारों तरफ जो डीएनए खुद को रैप अप कर रहा है, तो ये जो बना हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग ये वाला डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में ये जो है ये डीएनए है। डीएनए में यहाँ पे अंदर तरफ जो हमको स्पाइक्स जैसा दिख रहा है वो क्या है, नाइट्रोजिनस बेस। हम लोगों ने इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर में देखा था इसके बारे में। तो ये डीएनए हो गया, ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हो गया। यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होता है, पर हम लोग को अच्छे से दिखाई पड़े इसलिए नंबरिंग करके ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हम लोग को नंबरिंग करके दिखा दिया गया है ताकि हम लोग को ठीक से समझ में आए। अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए हम लोग देख सकते हैं कि ये किस तरीके से इन हिस्टोन 8 हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ खुद को रैप अप कर रहा है, लपेट रहा है। तो अब जो ये स्ट्रक्चर बना, एक्चुअली में ऐसे अलग अलग तो नहीं दिखता, ये जो हम लोग देख रहे हैं ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है, इस तरीके का होता है। ये तो हम लोग को 8 हिस्टोन प्रोटीन्स दिखाने के लिए इस तरह से सेपरेट करके दिखाया, क्योंकि यहाँ पे 8 हिस्टोन प्रोटीन ठीक से काउंट में नहीं आएगा इसीलिए। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये इनको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम्स। तो न्यूक्लियोसोम्स हो गया हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का मिलकर बनाता। तो अभी हम लोग इससे जस्ट पहले लेक्चर में देखे थे कि क्रोमेटिन फाइबर जो होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो फिर न्यूक्लियोसोम और क्रोमेटिन फाइबर में क्या डिफरेंस है, तो उसका आंसर भी हम लोग को यही डायग्राम में मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे कि ये न्यूक्लियोसोम हो गया, न्यूक्लियोसोम खुद को कॉइल कर रहा है। यहाँ पे कॉइल किया, इस जगह पे कॉइल किया और इस जगह पे सुपर कॉइल हो गया है। कौन सुपर कॉइल कर गया, न्यूक्लियोसोम। और इस तरह से ये कॉइल और सुपर कॉइल करके फाइबर की तरह स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं फाइबर। तो यही फाइबर को हम लोग बोलेंगे क्रोमेटिन फाइबर।
तो फिर हम लोग को पता कैसे चलेगा, जैसे सपोज क्वेश्चन ऐसा पूछा कि क्रोमेटिन फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्रोमेटिन फाइबर जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना हुआ है. और अगर ऐसे पूछा गया कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, तो तब हम लोग आंसर करेंगे न्यूक्लियोसोम. कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर, एक मिनट, हाँ, जो डीएनए है और हिस्टोन ऑक्टामर है वो मिलके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हम लोग का आंसर कैसे वेरी करेगा. तो हम लोग क्या क्या देख लिए, डीएनए हिस्टोन किस तरीके से आपस में कंबाइन करके न्यूक्लियोसोम बना रहा है, फिर न्यूक्लियोसोम ही कॉयल होकर, सुपर कॉयल होकर क्रोमेटिन फाइबर बन रहा है, और हम लोग जानते हैं कि क्रोमेटिन फाइबर खुद फिर कॉयल और सुपर कॉयल करके क्रोमोसोम फॉर्म करता है. यहाँ पे एक और टर्म आ रहा है, क्रोमेटिड्स, दिखा क्रोमेटिड्स स्क्रीन पे, यहाँ लिखा हुआ है क्रोमेटिड्स. तो क्रोमेटिड्स क्या है, यहाँ पे हम लोग सब में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रोम वर्ड कॉमन है, जैसे क्रोमेटीन, क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमेटिड, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है कि क्योंकि सब क्रोम से स्टार्ट हो रहा है. तो इसीलिए इस डायग्राम में ही हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं. तो क्रोमेटीन और क्रोमोसोम तो हम लोग को ऑलरेडी क्लियर है, यहाँ पे नया टर्म आया है क्रोमेटिड, इसको क्लियर करते हैं. क्रोमेटिड्स, यहाँ पे एस लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे दो क्रोमेटिड है. एक क्रोमेटिड कौन सा है, ये हुआ एक क्रोमेटिड और ये हुआ दूसरा क्रोमेटिड, इसको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड भी बोलते हैं. ये दोनों को हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड भी बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही क्रोमोसोम में ये दोनों क्रोमेटिड प्रेजेंट है. तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होंगे, अगर सिस्टर क्रोमेटिड है तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड भी होगा कुछ, जैसे कि हम यहाँ पे बताते हैं. यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है. अब इसका ये जो हो गया, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है. तो ये दोनों तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, ऑरेंज कलर लेते हैं. तो अगर पूछेगा कि ये और ये, क्या ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है, तो नहीं, ये दोनों दो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड है, तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं हुए. ठीक है, इसको हम क्यों बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब हम लोग मियोसिस पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पे क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का रोल आता है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को मैंने अभी यहाँ पे क्लियर किया है. तो अब क्रोमेटिड क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिन फाइबर क्या है, क्लियर है. तो हम लोग अब आगे चलते हैं, तो इस स्लाइड को देखते हैं. अ सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम मे हैव अबाउट मिलियन न्यूक्लियोसोम्स. तो अभी हम लोग ने जाना कि न्यूक्लियोसोम्स क्या होता है. तो एक सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम में मिलियन ऑफ न्यूक्लियोसोम्स हो सकते हैं. मैंने ये पैराग्राफ बताया कि नहीं बताया, आई थिंक मैंने नहीं बताया. यहाँ पे अभी इस वाले पैराग्राफ को देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, हिस्टोन्स आर प्रोटीन्स दैट हेल्प इन कॉइलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए. तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि हिस्टोन जो है वो ऐसा प्रोटीन है जो डीएनए का पैकेजिंग और कॉइलिंग में हेल्प कर रहा है. हम लोग डायग्राम देखें, इनटू अ स्ट्रक्चरल यूनिट, और ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट बनाता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोसोम ही आपस में फिर मिल के क्रोमेटिन फाइबर और क्रोमोसोम फिर फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो अब ये पैराग्राफ समझ में आया कि कैसे हिस्टोन प्रोटीन डीएनए का पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है और न्यूक्लियोसोम क्या चीज़ है. अब देखते हैं यहाँ पे कि ह्यूमन एक सिंगल क्रोमोसोम, सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम का बात हो रहा है, जबकि हम लोग का सिर्फ एक एक सेल में हम लोग का 46 क्रोमोसोम होता है,
और उसमें से सिर्फ एक सिंगल जो क्रोमोसोम होता है उसमें मिलियन ऑफ न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हम लोग के बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं तो उसमें कितने सारे न्यूक्लियोसोम्स होते होंगे। खैर ये उतना हम लोग को, ये बस ऐसे ही हम लोग को एक आइडिया के लिए बताया कि इसको रटने का ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट और एक आइडिया दे रहा है कि ईच ह्यूमन सेल कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2 meters ऑफ DNA। मतलब सिर्फ एक सेल का बात करें, एक सेल के जो न्यूक्लियस में, एक सेल के जो ये सपोज ये न्यूक्लियस है, इसमें जो DNA प्रेजेंट है, इस DNA को अगर हम सीधा कर देते हैं तो वो 2 meters तक का लेंथ का हो जाएगा। अगर उसको इंड टू इंड हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं सिर्फ एक सेल के DNA को, तो वो 2 meters तक का लेंथ ले लेगा। अब हाउएवर, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, टाइमर को। हाउएवर द न्यूक्लियस ऑफ अ ह्यूमन सेल इज ओनली अबाउट 6 micrometers इन डायमीटर। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियस का डायमीटर दे रखा है, ये जो न्यूक्लियस है इसका डायमीटर है 6 micrometers। 6 micrometers मतलब 6 × 10⁻⁶ meters, तो इतना कम, यानी कि 6 / 10⁶ अगर करें, यानी कि 6 / 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना मीटर होता है न्यूक्लियस का डायमीटर, इतना छोटा। और उस छोटे से एरिया में DNA जो है 2 meters का DNA खुद को कॉइल करके रखता है, यानी वो कितना ज़्यादा कॉइल होता होगा। Therefore, the DNA needs to be condensed in order to fit inside the nucleus. वही बात लिखा है कि इसीलिए DNA को खुद को फिट करने के लिए बहुत ज़्यादा कंडेंस करना होता होगा। The entire chromatin fiber is coiled and super coiled, something like the coils and super coils we see in typical telephone cords to inch. हाँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसीलिए जो DNA है वो खुद को बहुत ज़्यादा कंडेंस करता है ताकि वो न्यूक्लियस के अंदर फिट करे। जो पूरा न्यूक्लियर क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है हम लोग को पता है, वो खुद को कॉयल और सुपर कॉयल करता है, ये बात भी हम लोग जानते हैं। और किस तरीके से, जैसे ये टेलीफोन का कॉर्ड हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे कॉयल है और फिर यहाँ पे इस जगह पे सुपर कॉयल है, तो इसी तरह का कुछ हम लोग का सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर DNA भी कुछ इसी तरीके से रहता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि DNA स्ट्रैंड उंड अराउंड अ हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड, उस कॉम्प्लेक्स का नाम पूछ रहा है जो हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ जब DNA खुद को रैप अप करता है, उसके चारों तरफ जब खुद को लपेटता है DNA हिस्टोन ऑक्टामर के बाद, तो जो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, वो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। मैं चाहती हूँ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें उसका आंसर। तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, बाय।